आदरणीय भाइयों बहनों देशवासियों, जैसे कि सभी को ज्ञात है कि कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, इसके विषय में प्रतिदिन मैं आपके लिए जानकारी हेतु वीडियो लेकर के आ रहा हूं ताकि आप भ्रांतियों में न फंसें और जानकारियां मिलती रहे। आज हम लोगों ने एक बैठक की, होम्योपैथी के जो हमारे मित्र थे उन सब ने हम लोगों ने ऑनलाइन चर्चा की और एक कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने एक सार स्वरूप बनाया है आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि कहीं कोई परामर्श न मिल पाने की स्थिति में, जानकारी न मिल पाने की स्थिति में यह वीडियो आपके लिए कारगर हो सके। तो कोरोना से संबंधित होम्योपैथी के लिए आज एक मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि कलम और कॉपी लेकर के, डायरी लेकर के सामने बैठे और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो कृपया नोट करते जाएं, बहुत काम लायक इन्फॉर्मेशन है। वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मैं आशा करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। सर्वप्रथम जिन भाइयों को कोरोना नहीं हुआ है, रोकथाम के लिए हम लोग यदि बात करें तो होम्योपैथी की दृष्टि से मैं चार दवाइयां आपको बताने जा रहा हूं जो रोकथाम की दृष्टि से काम आएगी। सर्वप्रथम आर्सेनिक एल्बम 30, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, WHO के द्वारा भी इसका नाम आया था, आयुष विभाग के द्वारा भी इसका नाम आया था। ये आर्सेनिक एल्बम 30 हमें 3 दिन तक केवल लेनी है, 4-4 बूंद सुबह में एक बार केवल 3 दिन तक लेनी है, आर्सेनिक एल्बम 30, ये नोट कर लीजिए। दूसरी दवा है ब्रायोनिया 30, यह दवा रेगुलर ली जा सकती है जब तक ये कोरोना का कालखंड चल रहा है। ब्रायोनिया 30 2-2 बूंद लगातार अपने लेते रहें, ये इम्यूनिटी के लिए और हमें कोरोना से बचाए रखने के लिए काम करेगा। तीसरी और चौथी में दो बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां इस विषय में बोलने जा रहा हूं जिसको जरूर लेना है, रेगुलर लेते रहना है, घर के सभी सदस्यों को लेना है। पहली दवा उसमें है ओसिमम सेंक्टम, यह तुलसी का मदर टिंचर है, इसकी 4 बूंद प्रतिदिन कप में डाल करके हम लोग नित्य लेते रहे, और साथ में टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया क्यू, टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया क्यू, मतलब दो दवाइयां ओसिमम सेंक्टम क्यू और टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया क्यू, इन दोनों की 4-4 बूंद एक कप जल में मिला करके सुबह कम से कम रोज सेवन करते रहें तो हम इस कोरोना से बचे भी रहेंगे, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, इम्यूनिटी हमारी रहेगी। ये जो टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया क्यू है यह गिलोय का ही मदर टिंचर है जो बहुत कारगर है, बहुत काम आ रहा है। इसके बाद दूसरे विषय पर आते हैं, पहला विषय था ये रोकथाम हेतु, दूसरा है सर्दी जुकाम बुखार यदि आपको हो गई है और इनिशियल स्टेज में है तो क्या करना है। भाइयों जल्दी से दो दवाइयां बोल रहा हूं, लिख लीजिए, ब्रायोनिया 200 और जेल्सिमियम 30, ब्रायोनिया 200 और जेल्सिमियम 30, इन दोनों की 4-4 बूंदे एक कप जल में लेकर के दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। बुखार जब तक रह रही है, सीवियरिटी इसकी जब कम हो जाए तो दिन में 2 बार कर दीजिएगा, जब तक सीवियरिटी है तब तक दिन में 3 बार इस दवा को चालू कर दीजिए तुरंत। तीसरी दवा जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि बुखार के साथ साथ बदन दर्द भी है, तो बुखार के साथ साथ यदि बदन दर्द है तो 3 दवाइयां बता रहा हूं, रस्टोक्स 200, यूपेटोरियम पर्फ 200 और ब्रायोनिया 200। तो ब्रायोनिया तो मैं बुखार में ही हम ले रहे हैं तो इसलिए अभी इसमें 2 दवाइयां और मिला लेनी है, रस्टोक्स और यूपेटोरियम पर्फ, ये 2 दवाइयां यदि आपको बदन दर्द भी रह रहा है तो बुखार वाली दोनों दवाइयां जो ब्रायोनिया और जेल्सिमियम बताया था उन्हीं के साथ ये 2 दवाइयां और मिला लेनी है, इनकी भी 4-4 बूंद मिला करके उसके साथ रह लेनी है। यदि बुखार के साथ गले में खराश है, बुखार के साथ यदि गले में खराश है तो बुखार की 2 दवाइयां तो ब्रायोनिया और जेल्सिमियम तो लेनी ही है, उसके साथ एक दवा हिपरसल्फ की 4-4 बूंद और मिला लेनी है। यदि बुखार के साथ कमजोरी है या मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है तो नक्स मोस्चेटा 30, इसकी 4-4 बूंद मिला लेनी है, उसी बुखार वाली दोनों दवाइयां ब्रायोनिया और जेल्सिमियम। यानी बुखार वाली ब्रायोनिया और जेल्सिमियम आधार है और लक्षण के आधार पर यदि बदन दर्द है तो बदन दर्द वाली दवाई, यदि गले में खराश है तो गले में खराश वाली दवाई, और यदि कमजोरी लग रही है तो कमजोरी वाली दवाई, या तीनों चीजें महसूस हो रही है तो इनकी सारी दवाइयों की 4-4 बूंदे आपको मिला करके दिन में 3 बार एक साथ लेनी है। यह हुई बुखार की दवाई। अब यदि किसी भाई को ऑक्सीजन की कमी लग रही है, जैसे कि मामले आ रहे हैं चारों तरफ, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, लोग फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे हैं, इन्फेक्शन है, यदि सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और जो भी वेंटिलेटर या जो भी डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता है उसका उपयोग करें।
लेकिन यदि सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है या जब तक आपको वेंटिलेटर ऑक्सीजन वगैरह नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तब तक मैं तीन दवाइयां बोल रही हूं जो आपके प्राण बचाने का कार्य करेंगे। कृपया उनको नोट कर लीजिए, कार्बोवेस 200, पल्साटिला 200 और एसपी डोस्परमा क्यू। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण दवाई एसपी डोस्परमा क्यू है। तीनों का नाम मैं फिर से बोल रहा हूं, कार्बोवेस 200, पल्साटिला 200, एसपी डोस्परमा क्यू। इन तीनों दवाइयों की चचर बूंद एक कप जल में सुबह शाम दोपहर तीन बार जरूर लें, और जब तक आप ये इन्फेक्शन कम न हो जाता है लंग्स का या आपको कोई दूसरा साधन नहीं मिल जाता है जीवन बचाने का, तब तक आपका ये प्राण बचाने का कार्य करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं आप डॉक्टरी परामर्श न लें। ये मेरा परामर्श डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ है, डॉक्टरी परामर्श जरूर लें आपके आसपास जो भी है। लंग्स की आप मजबूती चाहते हैं, लंग्स के फंक्शन की मजबूती यदि चाहते हैं, तो तीन दवाइयां मैं बोलना चाह रहा हूं, आप कृपया नोट करिए, जस्टिसिया क्यू, सेनेगा क्यू और एंटीमटाट 30। इन तीनों की चचर बूंद दिन में दो बार, इन तीनों की चचर बूंद एक कप जल में सुबह और एक कप जल में इन तीनों की चचर बूंद शाम में, ये जरूर चालू करें, तो लंग्स जिनकी कमजोरी है वो लंग्स में मजबूती महसूस करने लगेंगे या लंग्स की फंक्शनिंग अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये दवा जरूर लें जिनको लंग्स के साथ दिक्कत लग रही है। और यदि आपको बुखार कम नहीं हो रही है कि भाई 7 दिन हो गए 8 दिन हो गए 9 दिन हो गए बुखार कम नहीं हो रही है, तुरंत सावधान हो जाइए और मैं जो दवा बोल रहा हूं वो लिखिए। फिवरेक्स एक सिरप आती है होम्योपैथी की, फिवरेक्स सिरप एक चम्मच ले लीजिए और उसमें जेलसीमियम क्यू और चाइना क्यू इन दोनों की चार बूंद, तब वो जो मैं पहले बुखार वाली दवाइयां बताए थे वो हटा करके इस दवाई पे आ जाइए आप बुखार के लिए। फिवरेक्स के सिरप में जेलसीमियम क्यू और चाइना क्यू ये मिला करके आपको लेनी है, देखिएगा जल्दी ही आशातीत परिणाम आपको महसूस होंगे। और यदि आप कोरोना से पीड़ित हुए थे और अब ठीक हो गए हैं, लेकिन ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो मेरा आग्रह है आपसे अल्फा अल्फा क्यू और चाइना क्यू की चार बूंद दिन में दो बार आप एक कप जल के साथ जरूर सेवन करें। ये मेरे 9 पॉइंट पर मैंने बातचीत की थी। किसी भी प्रकार भाइयों किसी भी समय मेरे परामर्श की आवश्यकता है या देश भर में कहीं भी किसी प्रकार की सहयोग की सेवा की आवश्यकता है, तो आप मेरे नंबर पर फोन करें, अपने कार्यकर्ता संघ के कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता पूरे भारत भर में सेवा कार्य कर रहे हैं उन सभी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। एक दूसरे का आप लोग से भी आग्रह है सहयोग करें, अपने घर के आसपास कम से कम किसी एक कोरोना पीड़ित परिवार को आप भोजन इत्यादि मदद जरूर पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार हम अपने भाइयों को बचा पाने में समर्थ होंगे। मेरा नंबर है 8210024568। गोसेवा परिवार झारखंड से मैं ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। नमस्कार, जय श्री राम।